पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपना धरना दिया। इस दौरान राष्ट्रीय आह्वान और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की साजिश रचने वाले गृह मंत्री अजय टैनी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। तो वहीं खीरी कांड में फर्जी केसों में जेल में भेजे गए आंदोलनकारी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए, बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए। इस दौरान विधायक समरपाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर सवाल या निशान खड़े किए। ये राकेश टिकैत जी के आह्वान पर धरना चल रहा है। जब दिल्ली में किसान बैठे थे, सवा साल कई थी, लोगों ने धरना दिया, वहाँ दिल्ली को घेरे रहे किसान, और इनके घेराबंदी के अनुसार ही दिल्ली की सरकार झुकी और तीनों जो काले कानून थे किसानों के विरोध में उनको वापस लिया। अब जब उसको वापस लिया तो वहाँ मीटिंग हुई थी, तय हुआ धरना उठवाने के लिए। इन्होंने सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने बैठक बुलाई थी, तो सारी जितने किसान संगठन थे सब उसमें गए थे, टिकैत साहब उसमें लीड कर रहे थे। बात यह तय हुई थी कि भाई टैनी जो मंत्री, गृह राज्य मंत्री खीरी के, जिनका लड़का इसमें मुलजिम है खीरी कांड में, उसको बर्खास्त करेंगे, मंत्री को हटाएंगे। और दूसरे जितने हिंदुस्तान के अंदर किसानों पर इस दौरान में मुकदमा हुआ है, जो दिल्ली पर धरना था उस दौरान जितने भी किसानों को जेल गए हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाएगा। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, महीने दो महीने में ये याद दिलाते रहे। सरकार तो कंबल ओढ़े बैठी थी, उसे तो कोई पता ही नहीं क्या होना। आखिर को जब इन्होंने नहीं माना तो खीरी में उन्होंने जाकर धरना दिया टिकैत साहब ने, और सब लोगों को कहा कि जिलेवार धरना दें। इसी उपलक्ष्य में सब जगह यहाँ धरना है, उसी में आया हूँ। सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।